conhecida, com a galera que está boa, ou sabe? Você vai pesquisar na hora de fazer a aposta. E bancar. Você leva a bolsa no bolso. Claro, e bancar. Sabe, deixa lá. Eu estou aqui. सफर पे जाना है उसके लिए कुछ तैयारी और फिर कुछ दफ्तरी अमूल की वजह से कुछ काम करना बाकी है। आपको पता है दफ्तरी जिम्मेदारियां भी होती है, उस हवाले से कुछ काम करना बाकी तो इसी पर मुझे आज जिला इंतजार से मुस्तर करनी पड़ी। अब यानी भाई कि नाथ शरीफ भी बाकी है, बाकी प्रधान से भी अवश्य है किसी से भी पैसे भी, लेकिन मैं और इनकी सबसे बड़ी खूबी ना देखिए वो ये कि कहिए उनके बगैर बात नहीं करते। यकीन माने आपके मैंने इस सैयद में लालच नहीं देखा। सुहान अगर कोई इस समाज वाला कोई और होता तो मैं दिन में जाने से पहले कहता 50,000 रुपये एडवांस दें, लेकिन हमारे इस सैयद बेटे ने कोई लालच मैंने आज तक यही वजह है कि इस बार गर्म में बहुत असर करती है कि वो सारे उलिया मैंने देखा है जिस फैसले में लिए जाते हैं सर दहली शरीफ से बैठे हमारे मखदूम मोहतरम हजरत अलाउद्दीन सिद्दीकी सर बड़े मोहसिन है और इससे बड़ा आज की इस फैसले में मैं चूंकि ये प्री रमजान सेशन है यानी रमजान शरीफ से पहले की महफिल है और रमजान शरीफ से पहले की आखिरी महफिल है, अपने कुछ खास जाविये रखते हैं। बेशक हर साल कुछ आप लोगों की निगाहें जिस पर फोकस होती हैं कि रमजान शरीफ से पहले रमजान शरीफ के लिए उसमें जाए और रमजान से वाला परवरदिगार क्या बात है राजियों ने दिल प्यार बैठा वाह वाह सुभान अल्लाह। राजनामे की कई किस्में हैं, एक उमूमी राजनामा होता है, तो खुसूसी राजनामा है, ठीक है। तो ये जो खुसूसी खाते खोले गए ना रमजान शरीफ में, ये खुसूसी खातों की बात कुछ ना कुछ रसाई मिल जाए तो बहुत सारा इंसान बढ़ता है, हैरत में पड़ जाता है और दुनिया मुश्त बदलता रहता है। रमजान से पहले ये एजाज किसमें कुरान उतरा बजाय खुद एक ऐसा एजाज है कि कुरान मजरूफ रमजान साफ। तो इसका मतलब है कि कुरान ने अजीम शाम तक एक्सेस के लिए रसाई के लिए कुरान के जर्फ को सीने से लगा तो कुरान उसमें रखा हुआ मिल जाए।
35 का शब्द ये है। फिर सरकार अलैहि सल्लम तस्वीर का ये फरमान कि शाबान मेरा महीना रमजान पर निकाल रहा और रजब शरीफ सलीमत का महीना। अजीब और गरीब किस्म के इशारात मिलते हैं रजब शरीफ उम्मा शाबान मौसम सरकार सरकार और रमजान से अल्लाह अल्लाह का महीना क्या खूबसूरत ट्राइंगल बना है, क्या खूबसूरत मिसल है। उम्मत से शुरू करो और बोलो निगार करता जिकात दो तो, हाँ पैसे बचा कर रखने से कभी बात नहीं करती। और फिर जब मैं बोलता रहा था कि शाबान मुबारक में शब बरात क्यों रखी गई कि इस महीने में मुझे तो याद होगा ये पैदा होगा ये बनेगा इसको इतना रिस्क दिया जाएगा इसका रिस्क बंद कर दिया जाएगा। हजरत सैयद इमाम रब्बानी इरशाद फरमाते हैं हज़रत रहमत इमामुल आइमा हजरत मुजद्दद इरशाद आप इरशाद फरमाते हैं किसी दोस्त ने अहवाल पूछा तो आपने एक गहरा सांस लिया और मैं उसका हाल क्या पूछते हो जिसके सामने तकदीर की लो पर लिखा हुआ नाम उसका बताया जा रहा आपसे आज की जरूर के बाद में समझ में नहीं फरमाया कि इस साल शबे बरात में जिन लोगों के नाम दुनिया से रुख्सती के लिए बताए जा रहे हैं उसमें शायद अहमद सरंगी का नाम भी आप फरमाते हैं उस शख्स से उसका हाल क्या पूछते हो जिसके सामने उसका नाम बताया जा रहा है। ये एक चीज है उसी लोहे महफूज पर लिखा हुआ है कि शेख मुजद्दद जब तक रब का नाम रहेगा तेरा नाम रहेगा घबराना नहीं है। डायमेंशन चीज चेंज की गई है उसी घर में जाने के लिए दूसरी गली का रूम खोल दिया गया परवरदिगार के घर में महबूबे के लिए आपके घर में मुजद्दद ये रास्ता आपके तरफ भाग कर दिया है करोड़ों रस्ते हमारे लिए खोल दिए इसमें कोई सदगी की बात नहीं है सिर्फ हजरत इमामुल आइमा ने यह बताना चाहा कि दो ही महफूज पेशे हो और हजरत मुजद्दद पाक ने बताना चाहा कि कोई वक्त आएगा कि मुनकर मेरा नाम लेके अपने आप को मेरा मुरीद शो करेंगे। बेईमानों का अकीदा यह होगा कि दीवार के पीछे का नबी कोई भी नहीं मैं उनको बताकर जा रहा हूँ दो ही महफूज नबी के गुलामों के जगह के सामने। सुभान तो जिस पॉइंट पर मैंने फोकस करना है वो है उम्मत का महीना रजब है रब का महीना रमजान है। स्टॉक टेकिंग किस मंथ में हो रही है आने वालों की लिस्ट जाने वालों की लिस्ट खाने वालों की लिस्ट खिलाने वालों की लिस्ट देने वालों की लिस्ट दिलाने वालों की सरकार करने वाले सरकार ने अपने खाते में रखी वह जो कह रहे कि एक बकर हमारे सामने दो तरीनात रख दिए गए एक पर और निगार करीब को कि वद मेरे खाते में कसरत तेरे ठीक है वद ने और निगार के शान के अंदर और कसरत इन्ना आता इन्ना करता वाह 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 ठीक है। अब जब मैं तो आज दोस्तों के लिए गिफ्ट गिफ्ट में सोच रहा था आते हुए कि आज का गिफ्ट क्या होना चाहिए तो मुझे यूं जिस तरह किसी ने कहा कि आज सरकार की ये शान मुबारक जिसका सरकार साहिब कौसर है कौसर सिर्फ एक नहर का नाम नहीं है कौसर हर कसर को शामिल है उसके इजाज का नाम है कि जिसमें महबूब कबीर मुहाजिर
अता कर दी गई और रहने की जरूरत भी अता कर दी गई और रहने की स्टाफ भी अता कर दिया। अब जब किसी वजीफे के बारे में बात होती है तो अगर असमाए इलाही की बात होता तो कहा जाता है कि इसमें आजम आता, कोई ऐसा इसमें है जो आजम ना हो। ग्राम को बता दो, मुझे तो कुछ नहीं पता, कोई ऐसा इसमें नहीं है जो इसमें आजम ना हो, हर इसमें आजम है। सुभान बशर्ते पढ़ते वक्त बंदा रब के पास हो और गैर की नफी करे, उस मकाम पर परवरदिगार करीम उसको वह जवाब देते हैं जो सिर्फ एक मरतबा इस पैदा कहने से या एक मरतबा या हय्यू या क्यूम कहने से या एक मरतबा या रब कहने से बारगाह खुदावंद करीम से इस इस्तजाबत में जाते हैं। मैंने उन अस्मा की तरफ इशारा किया है कि जिनमें जिनके बारे में अहादीसे मुबारका में बाकायदा वाज़े इशारा किया है। एक सहाबी दुआ कर रहे थे या अल्लाह या हज़रत जलाल इब्न इकरा, सरकार ने मुस्कुरा के फरमाया उसकी दुआ कबूल हो रही है क्योंकि इसने अल्लाह के उस इस्म पाक से दुआ की है जो मुझे पहुँचती है। ऐसे आदमी ने या रब के या रब की, ठीक है, रब भी और रब की, ठीक है, रब भी को तो हफ़ जरा करके या शॉर्ट करके तुम रबे पढ़ते हैं मेरे रब, जिसका पॉइंट होगा कि ममा खरब तो जिन्ना वाले इंसान इतना दे या हमदून आगे के मुंह के ऊपर हमेशा सब ही होती है जब वो मसारे की सेवों में आए, लेकिन यहाँ से क्यों लगी है या बुदू नहीं मुझे मेरी ही बात यानी आपने इंसानों को और जिन्हों को इसलिए पैदा किया कि वो मेरी ही बात नहीं जो है ये मुतकल्लिम की तरफ इशारा करता है। ठीक है, तो एक दफा इसमें इलाही पढ़ और इस्तजाबत ले एक पैरा लिए रखा गया, एक पैरा लिए रखा गया, ये तो असमा की बात थी, फिर सूरतों और आयतों की बात है कि आलम इस्तिराब में या आलम इस्तिराब में औलिया ने अंबिया अल्लाह के दोस्तों ने उनकी जुबान पर जो जारी हो पर निगारे करेंगे उसमें इस्तिजाबत रखा। अब अल्लाह का नबी है, तीन जुमरते जमाए, जुमरते शब एक, जुमरते दरिया दो, जुमरते शिकम माई तीन, यानी रात की तारीखी एक, दरिया की तारीखी दो, मछली के पेट के अंदर की तारीखी तीन। उसमें अगर कोई और होता अंबर गार जैसा तो अब क्या होता, मारेंगे अब तो कुछ नहीं बस गए और अपने आप को मौजूद के सुपुर्द कर देते या मछली के पेट के अंदर ही हमारा दम घुट जाता खत्म हो जाता। लेकिन क्या फरमाया, ना इला अमेला अंता तारीखी दरिया की हो या रात की हो मछली के पेट की हो या किसी और किस्म की हो, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन व ला ज़ालिम मैं हूं माबूद तू है। किसका कलमा है हजरत, कलाम किसका है अल्लाह का। ला सोच कर बात कीजिए, बड़े बड़े चोरों को फांसना है, सही, बड़े बड़े दावेदारों को कैच करना है और तो सरकार के पुराने जिम्मेदार के थाने में लाके और पर केस बनाना है। बंदा कह रहा है मैं जालिम हूं, ठीक है, रब कह रहा है कलाम मेरा है।
क्या बात है। तुम नहीं कह सकते कि खुदा का कलाम नहीं है, अगर हिम्मत है तो कहो, अगर कलाम खुदा का कहो जालिम की सको। सही सवाल बना ना, बिल्कुल, और ऐसा सवाल बना कि किसी माँ के दाद की जरूरत नहीं है कि इस पर इससे इनकार कर सके कि ये कलाम खुदा का है। अब मुसलस यू बन गई स्टेटमेंट जनाबे यूनुस अलैहिस्सलाम की है, परवरदिगार उसको अपने कलाम के तौर पे नाज़िल फरमा रहा है। सुभान अल्लाह। ऐ मेरे बंदे, तू मेरी मोहब्बत में जो टाइटल अचीव करेगा मैं उसी टाइटल में एजाज रख दूंगा, उसी टाइटल को अपना कलाम करा दे दूंगा। ठीक है, जब तक मेरा कलाम कलाम है तेरा प्यार में मुझे मेरे सामने अपने आप को जालिम कहना मुझे तुझे नबी कहने से माने नहीं है, तुझे प्यारा कहने से माने नहीं है। तू जालिम है तो भी प्यारा है, तू अगर अपनी जान पर सुन करने वाला है और तू अपने ऊपर ज्यादा करने वाला है तो भी मुझसे मेरे बारगाह में प्यारा है। और तेरी ये अदा कि इन सब जुल्मतों के दरमियान खड़ा होके मुझे पुकारने वाले बस तुझे बुलाता हो बंदे चैन ना हो मेरे रब में और कसाल कदम से मोमिनी हमने इसकी बात को कबूल कर लिया और हम ऐसे ही माना करते हैं। क्या बात है, क्या बात है। ठीक है, ये फख्र देखें इफ्तिखार देखें कि परवरदिगार करीम फस्त जब ना रहो फत जय ना हो मेरे रब में सुभान कि मैंने हमने उसकी बात को क्या कर लिया कबूल कर लिया और हमसे नजात दे दी। आगे क्या है वक्सा लेकर वो है वक्सा लेकर उन जिन मोमिनों हम मोमिनों को इसी तरह बचाया। सुभान अल्लाह, क्या बात है। तो ये यार बड़ा खूबसूरत मैच खेला तुमने आज, जिस प्लेयर से गए तो प्लेयर फख्र में गए हम ऐसे ही खेला करते हैं। ठीक है, तो परवरदिगार ने अपनी इस अदा पे नाज कर दिखाया। पहली स्टेटमेंट में जनाब यूनुस रब को खिताब कर रहे हैं, दूसरे जाविये से रब उसको अपना कलाम कर रहा है। इसी मुकाम से एक दम से हटके पड़ने से शाम की जॉर्जिया में वो तीसरे बंदे को खिताब कर रही है, हमें उम्मत मोहम्मदिया को खिताब कर रही है। फस्त जब ना लहू, फस्त जब ना लहू, हमने अब नरेशन आ गई है, पहले स्टेटमेंट थी डायरेक्ट नरेशन थी और अब जनरल नरेशन आ गई है और हमने उसकी बात को कबूल कर लिया और उसको गम से निजात दे दी। हम इसी तरह निजात दिया। अब माना यह निकला कि जब कोई आलम इस्तराब में अल्लाह रब्बुल इज्जत को पुकारे तो परवरदिगार करीम उसकी स्टेटमेंट में इतना फैज रख देते हैं कि जो कोई वो स्टेटमेंट अदा करेगा वही फैज पाएगा जो उसको। वाह क्या बात, यही वजह है कि उस वक्त से लेकर के आज तक और यह उम्मत मोहम्मदिया अलैहिस्सलाम को अब ये स्टेटमेंट जारी होगी ना क्योंकि हमारे लिए नाजिल की गई। बिल्कुल सही, जो कुछ हमारे हुजूर पे उतरा वो हमारे लिए है। बिल्कुल सही, बेशक। तो अब औलिया ने ये एक्सपेरिमेंट किया कि जो कोई ये पढ़ेगा ला इलाहा इल्ला अंता सुभानक, आपको याद है कि मैंने पिछले रमजान शरीफ में उससे पिछले उससे पिछले कई दफा आपको बताया कि जो शख्स इस्तखारा करना चाहे, ठीक है, तो वो नमाज ज़ुहर के बाद रमजान से रुक जाए, क्या करे, लेट जाए और सिर्फ 40 मरतबा ला इलाहा इल्ला अल्लाह सुभानक इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, ये 40 हर को पढ़कर सोचे जो ख्वाब में देखना चाहेगा मेरे रब है चार उसको उसको अपने सवाल का जवाब रमजान शरीफ के गिफ्ट का वो पास करें। अब वाद सारी अल्लाह के पास की ज़ाते पास कसमें सारी हुज़ूर के पास, इसने आज़म का पढ़ना एक दफ़ा इस्तिआज़ा नबी या अल्लाह के किसी महबूब की स्टेटमेंट
عالم اضطرار میں اس کی سجاوٹ گڑھن کی. لہٰذا جو نتیجہ یہ نکلا کہ محبت الہی میں یا اپنے خطاؤں سے ڈر کر انسان جب اللہ کی بارگاہ میں عالم اضطرار میں کوئی کلمہ کہتا ہے تو وہ سجاوٹ ملتا ہے. ربنا ظلمنا انفسنا کون کہہ رہے؟ دوست حضرت آدم اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام ساری کائنات کی ماں ہیں. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. کہ مولا کریم ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تیری ذات پاک نے ہم پر کرم نہ فرمایا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے. اب اس آیت مبارکہ میں کس بات کا اعتراف ہے؟ ایک اپنے آپ کو ظالم کہنا کہ ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر, اور دوسرا اپنے آپ کو خسارے میں سمجھنا. جو لوگ اپنی عبادتوں پر تقوا پر ناز کرتے ہیں ان کو اس آیہ مبارکہ پر غور کرنا چاہیے. اللہ کا نبی اپنے آپ کو خاسرین کی لسٹ میں کھڑا کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے, اپنے آپ کو ظالمین کی لسٹ میں کھڑا کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے. اور ہم اگر دو چار سجدے کر لیں تو اسی دفعہ کسی کا پڑا ہے یہاں بھی نہیں ہوتا اور سر نہیں ہوتا اللہ میری لسٹ. ایسے بے ہوش قسم کے اللہ کو مانا کیوں تھا؟ ٹھیک ہے, سچی بات ہے تیرا اللہ نہیں سنتا ہوگا, مانا اللہ کو سنتا ہے, تیرا اللہ سمیع نہیں ہوگا, تو اس کی شان سماج سے انکار کر سکتا ہے؟ ہم نہیں کر, ہمارا اللہ سنتا ہے. تمہارا اللہ جواب نہیں دیتا ہوگا, ہمارا اللہ جواب دیتا ہے, وہ جی ہے. تمہارا اللہ توبہ قبول نہیں کرتا ہوگا, ہمارا اللہ توبہ ہے. تمہارا اللہ تمہاری لوگوں نے نہیں سنتا ہوگا, میرا اللہ ستار ہے. ٹھیک ہے, اب وظیفہ پڑھنے کے تین انداز ہو گئے. ایک انداز میں اللہ کریم جب کسی کو اس میں مربی عطا کرتا, اس میں مربی سے مراد یہ نقشبندی ہے, اس میں بولے وہ اس میں آ سکتا ہے, بہت بڑی شان ہے. اس کے بعد وہ کیفیت عطا کر دے جس میں زبان سے لفظ نکلے تو خدا اس کو اپنا کرام دے, سے ظالم ہی ہوئے. ہم دیکھیں ذرا اس بات کی طرف اشارہ دوبارہ کر رہا ہوں, بات نبی کی, نبی کہہ رہا ہے ان میں سے جو میرا ظالم ہے, اللہ کہتا ہے کلام میرا ہے, نبی کہے ان میں تو میرے ظالمین, اللہ کہے ان میں تو میرے ظالمین. سمجھ آ رہی؟ اللہ پر الزام نہیں لگا, یہ خدا کی شان رحمت ہے, یہ خدا کی شان کرم ہے کہ ہر ڈارکنیس میں نور ہے, ہر تاریکی میں اجالے میں کہہ رہے. خدا ظالم ہے نہیں, خدا کا بڑا دارالرحمان ہے, لیکن بدو سے پیار کے رشتے دیکھے, بدو سے پیار کے انداز دیکھا. ہم جب اس روٹ میں چلے تو ہمیں قرآن عظیم شان پر غور کرنے کا موقع ملا, تو بزرگوں نے ایک فارمولا وضع کیا, اور فارمولا کیا تھا کہ اگر کوئی عالم اضطرار میں اتنی دفعہ کوئی جملہ کہہ جائے کہ جتنے نبیوں کی تعداد ہے, ٹھیک ہے, اور دل میں یہ رکھ لے مولا جتنے تیرے نبیوں کی تعداد ہے اتنی مرتبہ میں میرا یہ پیارا ذکر کروں گی اپنے دماغ کا نہیں غلطی ہوئے. اس تعداد سے آگے جب انسان گزرتا ہے پورا جگہ دے تو نے میرے نبیوں کی فکر کا احترام کیا ہے, تیری بات ہم مانے. لہٰذا اس سے اولیاء نے ایک فارمولا وضع کیا, اور وہ یہ کہ کوئی بھی وظیفہ سوا لاکھ دعا پڑھو گے وہ اس کی منزل پانا ہے. ٹھیک ہے, خواجہ خواجہ حضرت خواجہ محمد قاسم صادقی موڑ گیا,
ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی شخص خدا سے دور ہو جائے یا اپنے آپ کو خدا سے دور ہوتا محسوس کرے تو وہ آیت کریمہ سوال تین دن میں پوری کر یا پہنچ گیا اللہ تعالیٰ کے دوبارہ قریب ہو جائے گا وہ کوئی خاص جو اسے میسر نہیں تھا وہ اس کو میسر حاضر کلاس ہر وظیفے کی اپنی اپنی تعداد بتائی ہیں لیکن 1,25,000 کی تعداد پر سارے متفق ہیں لیکن دو چیزیں مجھے قرآن عظیم الشان میں ایسی ملی ہیں جو اس اعتبار سے خصوصی ہیں میں اپنی ذاتی تحقیق پیش کر رہا ہوں کہ ان کو صرف پڑھا جائے تو اس اجابت مل جاتی ہے 1,25,000 کی کوئی کنڈیشن نہیں کب تک کوئی کنڈیشن نہیں تو اس کو 1,25,000 ہوتا ہے بعض بات ایک دفعہ پڑھنے سے بعض بات زیادہ دفعہ پڑھنے سے بس آ جاتا یہ تعداد جو 1,25,000 رقم رکھی گئی ہے اس کو علماء آل والیت نے اپنے علمی لینگویج میں زکات کہا ہے جس طرح پیسوں کی زکات ہوتی ہے اس طریقے سے ذکر الہی کی بھی ایک زکات ہے اس کو زکات کا نام دیا گیا اور جس نے 1,25,000 دفعہ کوئی زکا پڑھ لیا اس کے بارے میں وہ کہہ سکتا ہے میں نے اس وظیفے کی زکات ادا کی ٹھیک ہے ہر وظیفہ جب زکات کی منزل سے آگے نکل جائے تو اپنی تحسین روز روشن کی طرح سے کرے لیکن دو چیزیں میں نے قرآن عظیم الشان کا ایسی دیکھی ہیں کہ جن کے لیے آل علم نے واضح اشارہ دیے ہیں ان کی زکات کی کوئی ضرورت نہیں ٹھیک ہے فرض کریں کوئی یا سلام القرآن کے اوپر ایک پڑھتا ہے اس کی زکات دینا پڑتا ہے پڑھنے کی زکات فرض کریں کو پڑھتا ہے تو سید فقہ اللہ بابا سمیع العلیم زکات دینا پڑھنے کی زکات فرض کریں کچھ سورہ بدعا پڑھتا زکات دینی پڑے گی پڑھنے کی زکات لیکن دو چیزیں ایسی ہیں ایک حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم سورہ مبارکہ سورہ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ فَقُلْ سے آگے حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ میں اس آیت مبارکہ کے اوپر بہت میں نے فوکس کیا ہاں یہاں ایک اور کوئی قسم بڑی پیاری اولیاء کے اعمال ہے نا اگر کوئی شخص ڈرائیونگ زیادہ کرتا ہو اور اکثر ہمارے بڑے شیر بھائی کی طرح ڈرائیونگ میں پرابازیاں کھانے کا شوق بھی رکھتا ہو تو اس کو بچانے کے لیے جی ہاں جو بات کا گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے پڑھیں ان شاء اللہ تعالیٰ عزیز آپ سے پڑھیں گے اور اگر خدا نہ خاصا حادثہ ہو بھی جائے تو بچیں گے نقصان نہیں ٹھیک ہے نقصان نہیں ہوگا کہہ رہا ہوں ہوگا نہیں کہہ رہا جنا اس کے بعد وہ چلوائی تھا اس میں بھاگ رہا ٹھیک ہے نقصان ان شاء اللہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا اچھا اب اس سے دوسری چیز یہ اس آیت پر تذکرہ ہو گیا دوسری چیز سورہ کوثر اِنَّا اَعْتَيْنَا كَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ
इन नशान में आपका कवर अब अब इसमें आप गौर करोगे करीब में सूरह इखलास का कुर्बान दिया इसमें रब की शान है, सूरह कौसर का कुर्बान दिया इसमें मारे गए। और देखने की बात यह है कि परवरदिगार करीम अपने महबूब से खिताब फरमाए, इन्ना आतैना कल कौसर, एक मुनकर काफिर ने कहा मोहम्मद इस दुनिया से बेऔलाद जाएगा क्योंकि हमारे बुतों को बुरा कहता है। सरकार ने इस पर तदब्बुर बहुत फरमाया कि ये क्या बक रहा है, तुम्हें इसको शर्म नहीं आ मेरा परवरदिगार मुझे मालूम छोड़ सकता। अब सरकार की ये सोचें क्या बाबू हम तेरा चेहरा आसमान की तरफ उठता वो देख रहे हैं, ठीक है। तो फरमाया कि इन्ना आतैना कल कौसर, मैं एक हूं ये शान सिर्फ मेरी है, किसी और की हो नहीं सकती, बाबूबियत में मैं तुझे ये शान दे देता हूं, लेकिन जितनी कसरतें हैं तेरे खाते में, खाओ औलाद की हूं खाओ रिस्क की हूं खाओ असबाब की हूं खाओ इज्जत की हूं खाओ तौकीर की हूं खाओ इख्तियार की हूं, जितनी कसरतें बाबू तेरी है औलाद समेत। आज ये सलात की कसरत है तो ये सरकार की शान को सरियत का इजहार है। पांच इमाम बकना शुरू कर देते हैं, इमाम जैनुलाबिदीन करबलाशी में एक बच्चे थे जो इतने सैयद पास से आ गए, इस तरह के बास मुसवाक इस तरह की बकवास करते हैं, उनके सामने सूरह कौसर को गिराते हैं, कहो ये देखो और पढ़ो और फिर गौर करो शर्म करो और हया करो, आले रसूल के खिलाफ जबाने तान तशनी न खोलो मारे जाओ, ठीक है। अब जब इस बात का तायुन हो गया कि परवरदिगार करीम ने रिस्पॉन्ड किया काफिर के जवाब में, महबूब से फरमाया कि महबूब घबराना नहीं, ले सारी कसरतें आपके खाते में, तेरे दामन में कायनात कोई रख रहा हूं, ठीक है, जिसे जो चाहो सुन लो, फसल ले ले रब का, बस नमाज पढ़ फसल ले नमाज पढ़ अपने रब के, इसका मतलब है कसरतों का रूट नमाज से जाता है। क्या बात है, कसरत का रूट नमाज से जाता है। और जो लोग सुबह उठ नमाज नहीं पढ़ते 15 हदीसें कोट कर सकता हूँ, सरकार का प्रदान करे सब हो जाए, उनकी बरकत सलब हो जाएगी, उनकी जिंदगी में नौसत आ जाएगी। बड़े बड़े पीर देखे सुबह खड़े हुए और पूछो क्या कर रहे हो, मदीने शरीफ गए जूती उतार ले और कहने ना ये सरकार की तरफ से आई है कि इसको मार मार के जाओ और कहोगे सुबह नमाज पढ़ो, ठीक है, दस भैया जूती उतारे वैसे पीर को मारे और इतना मारे अच्छा लोग जाग जाए, ठीक है, मदीने से जरूरी चल रही और उसे बताए ये जूती मदीने से जरूरी से कैसे आई है, ऐसा कोई नहीं होना चाहिए। तो आप परवरदिगार करीम ने जब ये फरमाया कि सारी कसरतें जिसका रिस्क की कसरत भी शामिल है, आप सूरह कौसर में उधर असबाब की दुनिया में जाते हैं, असबाब की दुनिया में एक इस ऐसा है कि जो कलीदुल असबाब है, असबाब की चाबी है, इस नियाज़म के दरवाजे को खोलने के लिए उसे इस्तेमाल किया जाता है। मैंने अपनी किताब में इसका बड़ी तफसीली बात की, लतीफ होना, हर साल आपको लतीफुन का एक अमल देता होगा, आज लतीफ उनका नहीं आप एक कदम आगे चलते लतीफ उनको साथ लेके इस किस्म के आदाब 129 है। बुजुर्ग ने फरमाया कि जो कोई शख्स 129 मतलब ये इश्तियाजम पढ़ेगा हर रोज अगर से 129 मतलब पता रहेगा उसको कोई मसला ऐसा नहीं होगा, अगर 129 129 से दर्द देखे 16,640 पर पढ़ के उसके बाद 129 पढ़ता नहीं उसके सारे मसाले, ये लोग इस पर बहुत बात से मौजूद हैं और मतलब के शख्स रिकॉर्डेड आपके पास मौजूद है। आज हम कौशल की बात करते हैं,
पोस्टर का इसमें लतीफ हजरत मेरे जाली जो रिसर्चर्स को बात करता कोसर का यानी सूरह कोसर का इसमें लतीफ से इस तरह का लग है सांप इसे का समय नहीं सही लिहाजा सूरह कोसर और इसमें लतीफ ये दोनों एक मुकाम है। नंबर तीन सूरह कौशल में जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी करीम अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया कि फसल ले उम्मतियों से जब सरकार के रेफरेंस से फरमाया सल्लु अलैहि वसल्लमु तस्लीमा क्या कह रहा हूं क्या कह रहा हूं महबूबे करीम से फरमाया महबूबे हमीद से फरमाया हम दरहम करने वाले महबूबे हम्माद से फरमाया क्या फरमाया कि कसरते हैं महबूब तेरे खाते में रख दी इसके बदले तू मुझे क्या दे तो मेरी नमाज पढ़ा कर तू नमाज पढ़ना मुझे क्या ठीक है जनाबे सैयदा फरमाते सारा नमाज में सरकार ने फरमाया कुबिबा इलैकी वबन निसाउ फकुरा तो एनी फिसरा कि मेरे लिए पाकीज़ा बना दी गई है ख़वातीन और पसंदीदा बना दी गई है खुशबू और मेरी ये बेटी जो नमाज पढ़ रही है नमाज पढ़ते हुए मुझे बड़ी प्यारी लगती है ये जो कहते हैं मेरी आंखों में ठंड लगी नमाज में है इससे मुराद नमाज है दोस्तों ऐसा नहीं है हदीस का कॉन्टेक्स्ट देखो पूरी जिम्मेदारी से बयान कर रहा हूँ किसने इसमें मुराद रखा जहाँ मैं सैयद आमान को गुजार रखते सरकार ने फरमाया कि मेरे लिए बहुत कम बना दी गई है खवातीन और मेरे लिए पसंदीदा बना दी गई है खुशबू और ये प्यारी बेटी जो नमाज पढ़ रही है बकूरा तो आए नहीं किस सलाह से यदि मेरी ये आंखों की ठंडी जो इस वक्त नमाज नहीं जनाब सैयद आमान को गुजार रहा है अब क्या हुआ कि इन अल्लाह आयत रखे ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما उधर भी अमर इलाही है इधर भी अमर इलाही है उधर अमर इलाही है कि मेरे महबूब तू मुझ पर मेरी बारगाह में नमाज पढ़ इधर अमर इलाही है ऐ मेरे महबूब से मोहब्बत करने वालों तुम मेरे महबूब के लिए सल्ले के प्रोसेस से गुजरो और वो सल्ले है तुझे पा और सल्ले तो के प्रोसेस से गुजरो वो सलाम है अब इनको रिलेट करें सूरह कौसर पे सल्ले सरकार के लिए इस सूरत अहज़ाब और आयत नंबर 56 है आज मौलाना मन को यहाँ सूरत अहज़ाब आयत नंबर 56 ठीक है या अय्युहल लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि उधर मसल ले रब्बे का रब महबूबे के भैया मसल ले रब्बे का ईमान वाले सल्लू अलैहि वसल्लम तस्लीमा सलाम भी पढ़ो सलाम भी पढ़ो सलाम भी पढ़ो जो कहते इजराइल में क्रिएट हो गई क्या महबूब सारी कसरतों के नतीजे में सिर्फ एक ही पढ़ है तो नमाज पढ़ मुझे तुम पर प्यार वाह वाह क्या बात चलो ठीक है तो अब इधर उनके लिए आकर के लिए कोई ना हो आकर के गुलामों के लिए ये ना सब ना रहे हैं असल में तस्वीर अब बुजुर्गों ने बुजुर्ग हमारे बड़े प्यारे प्यारे बुजुर्ग हैं बड़ी मोहसिन हस्तियाँ हैं हजर वसीम पाक बोलते शहनशाह अजमेर और हजरत इमाम रब्बानी शहनशाह नक्शबंद शेख शहाबुद्दीन सोलंकी शेख अबुल हसन शाजली सब पर हम गुलाम कुर्बान हो जाए तब मजा है अब उन हस्ती ने क्या किया इसमें आज़म भी लिया सूरह कौसर भी ली दरूद पाक भी उनको यह जा करके एक नतीजा निकाला तो ऐसा नतीजा निकला कि बाहर बाहर कर गया रिस्क का गिला करने वाले कसरतों की दुनिया में आ जा क्या बात है हम तुझे उस जहानी नेमत की निशानदेही कर रहे हैं
मेरे एक वली अल्लाह दोस्त बुजुर्ग थे, उनको दरबारे रिसालत में रसाई हासिल और रिसालत पा गया। उनके शहर गिलानी सैयद और सरकार अलैहिस्सलाम के नहायत लाडले बाप, एक दफा उन्होंने मस्जिद में देखा बेदार में कुलिया को मिसाल शेख ने, और शेख की एक मरीज शायद किसी बीमारी की वजह से, किसी तबीब ने हमें कहा असल अगर आप उक्का पिए, उक्का सिगरेट नहीं, अगर आप हुक्का पिए तो ये बीमारी आपकी कंट्रोल रहे। तो हजरत इस बीमारी के दफा करने के लिए कभी कभी हुक्का नोश कराए। एक बंदा मैं तो नहीं किया, तो उसने देखा कि हजरत हुक्का नोश करा रहे, तो ये हुक्के पीने वाला बड़ी हो सकता है, चलो वापस चला गया। कुछ दिनों के बाद उस मस्जिद में आया जिसमें हजरत नमाज पढ़ते, तो देखा कि उसी मस्जिद में एक तख्त बिछा है और फजाओं से आया और उसने हजूर से शाहन फरमाए, उस तख्त मुबारक पर हजूर के मुकरम से और इकराम तशरीफ फरमाए, हजूर गौसुल मराह तशरीफ फरमाए, उम्मत की चौथी की ओर या भी उस मस्जिद में मौजूद है, सारे लोग ड्यूटी है फरमाए, और देखा कि वो गिलानी सैयद भी साथ ही तशरीफ रखा। आगे पढ़ने लगा तो दोस्तों ने रोक देखा ना आईना, हुजूर कुछ देर तरफ फरमा रहे और उसके बाद देखा जिस तरह तख्त तख्त सुलेमानी फजाओं में प्रवास करता था, इस तरह हमारे हुजूर के तख्त ने प्रवास किया और वापस चला। जो ही ये मंजर खत्म हुआ तो वो बता दौड़ कर हजरत शेख के कदमों में जा गया, हजरत सैयद हसन गिलान हसन चश्ती साबरी गिलान करीब गया तो कहा बड़ा खराब का मौका था, अगर आप जनाब इजाजत फरमा देता मजबूत के बस्ते पाक चुन लेते, इतने बारह कस्तियों को भी से मुलाकात कर लेते, बड़ा मजा आता। मैंने अपने शेख से पूछा, वो तो था इतराज और मदरस इतराज करने वाला, उसका तो रूप बंद हो गया, अपने शेख पर एतराज करना रूप बंद करने की बात होती है। अक्ल जोर कर जाती है ना, बंदे ने अक्ल जोर कर ये सर क्या हुआ है ना, ऐसे वो लोग कि जो बैल नमाज होती है उनके अक्ल जोर कर शायद अपनी भी सत्या हासिल करते हैं और सब जिस गली से गुजरेंगे दो चार को तो रह देंगे। ठीक है, अब जनाब ये थे बड़े प्यारे, इन्होंने शायद अजमेर शहर के बारगाह में हाजिर होकर बदन दबाया, दस बोसे की माजूर जनाब के तरह छोटे सब सवाल किया, हुजूर अगर जनाब इस मस्जिद पर यह करम है कितना तो मजा आया, कि जनाब की ये जो सरकार नबीना करम फरमाओ, मोदी के पास तशरीफ लाए, गुलामों के पास करम फरमाओ, कोई रूह हमें भी जनाब करम फरमाए, अगर से जनाब मौजूद है जनाब के होते हुए दीदार भी नसीब हो जाते हैं या सब कुछ हो जाता है, तो हमारे लिए कोई जनाब अगर इस दुनिया में नहीं है तो हम चाहें कि जनाब करम फरमाओ, वहाँ पर जनाब मौजूद है जनाब मेहरबानी फरमाए, आका मेहरबानी फरमाए, इस जाना करके अभी कोई रूह थी मोहम्मद अमीन नहायत खूबसूरत सवाल किया।
जो शख्स जुमरात की रात को सूरह कौसर शरीफ हजार दफा पढ़े और हजारों मरतबा दरूद पाक पढ़े, दूसरी जुमरात आने से पहले सत्तार के दीदार से मिल और अगर किसी वजह से पहली जमात के बाद अगली जमात से पहले दीदार नसीब ना हो तो फिर दूसरी जमात में फिर पढ़े और फिर तीसरी में पढ़े, तीसरी जमात से पहले पहले इंशाअल्लाह उस पर कलाम के बारे में सुना। फरमाते हैं उसमें दो दिन बाद है बहुत बड़े आलिम अकल थे ना, तो कहते मैंने कहा दस की हजूर ये दो दिन बाद कौन सा पढ़ा जाता है। फरमाया अल्लाह ने सूरह कौसर में हुजूर को खिताब किया, उम्मती को चाहिए कि हुजूर को खिताब करने वाला दर्शन है क्या बात, और वो गायब दो दे पाते हैं अस्सलाम अस्सलाम सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और अल्लाह कह रहा है इन्ना आतैना कल कल कौसर का ऐ महबूब तुझे पसंद दिया पसंद दे ऐ मेरे महबूब पढ़ मुझ पर मेरी नमाज पढ़ ताकि मुझे उसका प्यार आता है जब तू नमाज पढ़ता है। इतना शान है था वो अल्लाह का, तेरा दुश्मन ही तुम कटा होगा बेलाद होगा बेनसीब होगा ठीक है। अब उम्मती को क्या चाहिए, रब भी हुजूर को खिताब बल उम्मती भी हुजूर को खिताब, खिताब में याद रखें रब की खिताब में डिसकंटिन्यूएशन कभी भी नहीं आती है, रब का खिताब दायमी होता है, उस कंटिन्यूटी की बुनियाद पर यह मानना होगा कि रब का कलाम हर रब का खिताब हर वक्त का खिताब है, लिहाजा हुजूर पर यह तजली हर वक्त बरस रही है। अब जब ये उम्मती गुनाहगार गुलाम हुजूर का रूशी पड़ेगा वो तजली उधर से आ रही होगी, एक ही वक्त में सरकार की एक तवज्जो उधर होगी एक तवज्जो और वो तवज्जो मुस्तफी भी हो जाएगी और रोहियत से भी जाकर हासिल हो जाए। इधर मखलूक में शामिल उधर अल्लाह से हासिल, खवासुस फलसफे कुबरा का है अर्फ मुशद्दद, अर्फ मुशद्दद अल्लाह से मिला, अर्फ मुशद्दद पहले हासे भी मिला होता है और दूसरे हासे भी मिला होता है, दरमियान में एक इलामत रखी होती है और वो इलामत यहाँ आपका स्नेह मोहब्बत है, लफ्जों की दुनिया में वो अलामत दो को जोड़ने वाली तशदीद है, रब और रवाबत की दुनिया में जोड़ने वाली चीज मोहब्बत है, ठीक हो गया। मोहम्मद हम से भी जुड़ा हुआ है और मद से भी जुड़ा हुआ मखलूक में शामिल खवासुस बरज़खे कुबरा का है हर्फे मुशद्दद है ठीक है। अब आपके लिए फातिमा मसला है, एक और फातिमा, अगर कोई शख्स 300 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ रोजाना 300 मरतबा दरूद पाक के साथ सुबह तुलू आफ्ताब के वक्त पढ़े एक साल तक ये अमल जारी रखे, साल मुकम्मल होने से पहले वो अमीर कबीर हो जाए, इमाम शेख अहमद मोनी किताब शम्सुल मआरिफ मैंने एक्सपेरिमेंटेशन की भी और कराई भी, कोई दोस्त इसको मेरे बताए और नहीं मेरा ठीक है। अब कितनी चीजें इसमें आजम लतीफ एक बिस्मिल्लाह शरीफ दो सूरह कौसर तीन दुरूद पाक चार, आप इन चीजों को इस तरह के अकली सारे हकीम तारिक मामू चुका है सब ये अमल लिखा है, लेकिन इतना बेसियाको सवाल किस्म तक लिखा भी हमको इल्जाम नहीं देता, लेकिन मैं था बेचारों को जितना मालूम था उतना लिखा, हमको जितना मालूम है हम बता रहे ठीक है। अपने दोस्त हैं तो गिला था जो बड़ी तकनीकी के साथ लिखा सूरह कौसर में कमाल यह है कि जिस जगह पर आपकी दौलत होगी वो दौलत खत्म नहीं हो रही ठीक है, दौलत के लिए दो चीजें चाहिए,
खौफों में से एक खौफ होता है दौलत के ख़त्म होने का। किसी बंदे के पास खर्च कर 50 लाख रुपए और वो बेचारा हर वक्त यही मराकबा करता है, मराकबा करता है, खत्म हो गया तो क्या करूँगा। सूरह कौसर कहती है कभी खत्म नहीं होगा, इनका अदा इदा कर। ठीक है, दौलत के ख़त्म होने का जो खौफ है उस खौफ से नजात देने के लिए। अच्छा दौलत हो ही ना, मिले ही ना, तो ये भी खौफ है। इज्जत खतरे में, हर चीज़ खतरे में, लिहाजा इंसान को चाहिए कि दौलत के असूल के लिए। अब मेरे इस खुतबे और लेक्चर के बाद कोई आपसे कहेगा वो भी कोई फकीर है जो दौलत मांगे, तो उसका जवाब देगा वो भी कोई फकीर है जैसे लेलो खार हो जाए रब ने हमारे मुकाबले की वजह वो भी कोई फकीर है जिसका फख्र उसने लेलो खार कर दे। मोहम्मदी फख्र बादशाह ही है और फकीर भी। मोहम्मदी फख्र की सदरत में सूरज गुरूब नहीं होता। हुजूर के गुलामों ने ऐसी स्टेट्स कायम की हैं कि जिसमें सूरज गुरूब नहीं होता। हमारे बुजुर्ग गौसे पाक के घोड़े सोने के जंजीरों से बने हुए सुभान अल्लाह सुभान सरकार गौसे बना ने सारी जिंदगी धुला हुआ करता नहीं पाया, सिर्फ एक दफा पहनते थे और वो गरीबों मिस्किनों में तकसीम कर देते थे। क्या नसीब वाला होता है इसका सरकार गौसे बना ने। सुभान अल्लाह है ना, बस अगर फकीर होने वास्ते गरीब होना जरूरी है। मोहम्मदी फख्र ने सोनी तारीफ की थी, अगर मोहम्मदी फख्र की तारीफ नहीं आती तो सरकार गौसे बना को देखो, अगर मोहम्मदी फख्र की तारीफ नहीं आती तो हज़रत शाह मुजद्दद को देखो, हज़रत उस्मान अली अज़हर को देखो। वो इंडिया का मैच जीतने वाला धोनी, क्या नाम है उसका, महेंद्र सिंह, महेंद्र सिंह धोनी नंगे पैर मैच जीतने के लिए शहनशाह अज़हर की बारगाह में जाकर मैच जीत के उड़ा के ले गया और यहाँ पिछले लुटे उठाए दीन का नाम लेने वाले सारे सबका बड़ा कर करके रख गया, इसलिए किशन से अजमेर के यहाँ से मुस्तकबिल तजली ले गया। ठीक है, जकर नहीं है जहाँ की नहीं मोहम्मद की गुलामी का अरब का ताज सर पर दावन दे चल रहा कि मोहम्मद से वफात होने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लोगों को कलम दे रहे हैं। ठीक है, अब आपके पास एक फर्ज आ गया चूंकि टाइम की बाइंडिंग है, हमें तेरी से इसको बाइंड अप करो। आपने क्या करना है, काम है वो दौलत मिले और दरिया की तरह मिले, एक आए और जाए ना हो, आपका बटवा है तो खाली ना हो, आपका संदूक है तो खाली ना हो, आपका बैंक है तो खाली ना हो, बैंक वालों के लिए कुछ संदूक बना रहा हूँ। ठीक है, खाली ना हो, जहां तुम हो वहां का खजाना खाली ना हो। शान कौशल को जैन बुला कर इंतजार कर, अब क्या करना है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम इन्ना आतैना कल कौसर अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल। क्या बात है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम इन्ना आतैना कल कौसर अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल। ये एक सेट हो गया। हर जुमरात को 1,000 रुपये पड़े, रमजान शरीफ में शुरू में बताना और रोजाना 129 मरतबा, यानी एक जुमरात के बाद अगली जुमरात तक सिर्फ 129 मरतबा ये पढ़ लिया। अगर 313 पढ़ेंगे तो और ज्यादा, लेकिन कम से कम 129 मरतबा जरूर होगा। अगली जुमरात को फिर पढ़े, फिर तीसरी जुमरात को फिर पढ़े, तो 1-9 के साथ तीसरी जुमरात को फिर पढ़ें और चौथी जुमरात आएगी लैलतुल कद्र के करीब। ठीक है, रमजान शरीफ का वक्त लगे, चौथी जुमरात आएगी लैलतुल कद्र के करीब करीब। अगर वही रात लैलतुल कद्र हो तो 27 की रात या फिक्स 27 की रात रखिएगा। ठीक है, लैलतुल कद्र इसी रात में भी होगी, लेकिन आपके लिए जो मैं बता रहा हूँ और 27 की रात जुमरात को भी, यानी तीसरी जुमरात या चौथी जुमरात, तीन बार पढ़ा चौथी बात की गई, चौथी बात जो है वो लैलतुल कद्र के करीब की गई। 27वीं को अजान का अलग पढ़ना है और जुमरात चौथी जो है उसमें आपने अलग पढ़ना है, और रमजान जिस दिन ईद का चांद निकले उस दिन भी आपने 1-9 जरूर पढ़ना है, और अगर ज़्यादा पढ़ सकते हैं तो बहुत बेहतर। ठीक है, लेकिन जिस रात चांद शुरू हो गया आपका चला, आप सारी जिंदगी आप 1-9 पढ़ते रहें और मेरे रब ने जहाँ
तो आपका खजाना कभी खाली नहीं। आज मेरे पास टाइम की बड़ी बंदिश थी और मेरे जहन में ये था कि मैं मैं खत्म करने के साथ थोड़ी बात जाऊँगा, क्योंकि 4 बजे हमें फ्लाइट से मुझे जाना है, उसके इंतजार के तौर पर 1 बजे हम करते हैं गुजरेश भाई आपके 1 बजे वहाँ पहुँचना है। उससे पहले दो तीन दफ्तरी काम है, प्लानिंग का मैनेजमेंट का जो काम है वो करना है। तो लेकिन मैंने जाने का प्रोग्राम कैंसिल किया, मैंने कहा चले दोस्तों के लिए आज का गिफ्ट भी ज़ाहिर है, क्योंकि बड़ी मोहब्बत के साथ आपने रमजानशिप की मदद से आज की महफिल का मुलखस ये मतलब कि वजीफ़ा इसमें आज़म भी है। वजीफ़ा अम्बिया और या मोहब्बत में अल्लाह की बारगाह में अपनी आयसी के इलाज के लिए निकले हुए पर कलमात भी हैं। वजीफ़ा बतौर ज़कात भी पड़ा जाता है, और जब वादल अल्लाह के खाते में और कसरतें हमारे हुजूर के पास, तो दो वजीफे ऐसे निकले कि जिसमें ज़कात की ज़रूरत नहीं। एक आयत मुबारक हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु वहुवा रब्बुल अर्श अज़ीम, और दूसरी सूरह कौसर। और सूरह कौसर से पहले मैंने हस्बी अल्लाह वाली आयत के बारे में बताया कि ड्राइविंग का काम करने वाले, मशीनरी पर काम करने वाले लोग अगर ये करेंगे तो उनको बेगुनाह फला, जिनका काम मकैनिक है, पेट्रोल पंप है या दीगर एजेंसीज हैं, वर्कशॉपें हैं उनके लिए, जिस वर्कशॉपें हैं उनके लिए ये वजीफा अलग है। और सूरह कौसर मैंने इतनी जामियत के साथ आपके सामने सूरह कौसर की एक खास तब्दीली को डिस्क्राइब किया है, हमें मुझे आपको हुज़ूर से हमसाए पढ़ने की बार गए जिसमें बार बार मुझे बात करने की बदली नसीब है। अब बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर साथ ही लेप जोड़कर सूरह कौसर और उसके बाद 1000 मरतबा दुरूद पाक, और ये याद रखिएगा कि इसमें याद रखी है, इससे पहले पढ़ के तो भी ठीक है, बाद में पढ़ लेता भी ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है बाद में पढ़ना ज़्यादा देता रहे, वो दुरूद पाक के दरमियान रहेगा, आखिर में फिर दुरूद पाक पढ़ता, लेकिन हिस्सा पढ़ के आखिर में यानी ज़्यादा पढ़ा जी, आखिर में 120 मरतबा और ज्यादा बेहतर है कि आप जो कैसेट्स हैं, आपकी जो वीडियो भी होती है, ऑडियो भी होती है और रिटर्न भी होते हैं, हमारे जी भाई इस तरह चीजें जमा करते आते हैं, कर लेते हैं, प्रिंट कर लेते हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द ये काम करने वाले हैं कि जितने बच्चे बाद में जो हजार होकर दिए गए, जो रूहानी बताए और हमारे बयान हुए, ये सब इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा किताबी शब्दों में आने शुरू हो जाएंगे। वापस हम रमजान शरीफ में जो हमारा पूरा रबता करके रखिएगा, नसीब से, असलम भाई से, आदि भाई से, इन सबसे आप रबता रखिएगा, इंशाल्लाह आपका शेड्यूल मिलता रहेगा। रमजान शरीफ में मेरी कोशिश होगी कि आप रमजान शरीफ देखा।